अंबेडकर और गडकरी ने और अपने मित्र गडकरी के साथ में घूमने के लिए चले हैं। चलते हुए अंदर चला रहा है, लेकिन ये नंबर है होटल वालों का। होटल मालिक था ठाकुर, ये होटल मालिक का नौकर है। क्या क्या है भैया? लौकिया है, सुरैया है, तुरैया है, सारे फिराए मटर फली। अरे तेरे समझ में नहीं आई क्या क्या बेच रहे, क्या क्या है इसमें, क्या रेट चल रहा है तुम्हारा होटल? क्या बोर्ड लगा है? तबाही होटल 5 रुपए प्लेट। क्या है तबाही होटल 5 रुपए प्लेट? 5 रुपया प्लेट जी? 5 रुपया प्लेट में क्या क्या देते हो? मटर है, सूखी मटर, पनीर है, क्या क्या रखते हो होटल पर? सब्जी वगैरह सार है, मटर है, पनीर है, गोबर का हलवा है, भुजिया भी है। भुजिया किसकी है? भुजिया पालक की, मेथी की, दूध वाला है, भुजिया है। क्या है? दूध घास की भुजिया? दूध घास की? अच्छा, होटल पर हर चीज पिया मिल रही है। हरे 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 चिकन की हरे बाकी भुजिया है और धूप घास की घर की भुजिया है। 5 रुपया में ये सारी चीज मिलती है। हाँ, 5 रुपए प्लेट है, कुछ भी खाओ। ये अपना होटल चला रहा है, सारी चीज बेच रहा है। इधर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और उनके प्रिय मित्र गडकरी ये घूमने को जा रहे हैं।
चलते चलते बाबा साहब को बहुत तेजी से प्यास लगी है। बाबा साहब को कई से कह रहे भैया लगी हो हमें पानी पिलवा दो भैया बहुत दिन से प्यास लगी है। के बाद पत्नी पर बहुत मोटी बात है और हमारे बहन के बाद बड़ा हुआ पानी पिलवा दो। गडकरी कहने लगा चलो भैया देखो ये सामने होटल है दिखता है ये होटल है चलो इस होटल पे चलते हैं पानी पिएंगे और नाश्ता भी करेंगे। बाबा साहब अंबेडकर और उनके मित्र गडकरी दोनों लोग पहुंचे होटल के पास। होटल वाले ने देखा कि बहुत सूट वूट में आ रहे हैं कोई राजकुमार है बोले आओ साहब आइए आइए उठो आओ साहब पधारो अब कहिए क्या क्या चाहिए क्या खाओगे बताओ गोबर का हलवा खाओगे क्या दूध घास की गुजिया खाओगे ये नौकर पूछा भैया क्या चाहिए आपको तो बाबा साहब कह रहे भैया हमें प्यास बहुत तेज से लगी है क्या आप एक गिलास में पानी पिला सकते हैं। अरे होटल का जो नौकर था कहने लगा हाँ अवश्य पिलाएंगे हम बाबा साहब नौकरी का करता है पानी जरूर पिलाएंगे। नौकर कहने लगा बैठो हम आपको पानी पिलाते हैं।
भैया हमें प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिला दो। नौकर कहने लगा भी जरूर पिलाएंगे, पानी पिला रहे हैं। अभी गिलास नौकर ने लिया है और पानी देने के लिए पानी भर रहा था, लेकर ये दस होटल का जो मालिक था ठाकुर वो देख रहा था। ठाकुर चला है होटल की तरफ। और उनके मित्र गडकरी बैठे हुए हैं। इधर वो नौकर पानी दे रहा था बाबा साहब के लिए पीने के लिए, बाबा साहब लो पानी पी लीजिएगा, पानी पी लो, पानी भर रहा था गिलास में, लेकिन होटल मालिक ने देखा बाबा साहब को पानी भरा रहा था, तब तक होटल मालिक आ पहुंचा। अरे मूर्ख तुम ये बता, तू पढ़े नहीं गया था कभी? अरे ये बोल सीधा लगा बदतमीजो, हम होटल में होते नहीं हो, मान काम कर मुझे पहले कम से कम ये देखना चाहिए ये लोग कौन है। बोले तो पहले कपड़ा तो भैया पहले भी तेरी बात सही है, सूट पहने हुए हैं, टाई लगाए हुए हैं, चश्मा लगाए हुए हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन शायद तुझे पता नहीं है, हमें क्या पता है, तो पैंट सूट बदलू, तुझे पता है ये बहुत ऊंची बिरादरी है और ये अछूत लोग हैं। कहां ठाकुर और कहां ठाकुर का होटल,
तमाम नीच लोग और उन्हें हमारे होटल पे पानी पिलाया। पानी पीने का तो अधिकार नहीं, यहाँ भय भरने का भी अधिकार नहीं है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अरे तो तू उसे पानी क्या उसे बैठने भी नहीं देगा, समझ गया? मालिक साहब समझाने की और सुन सुन आज तक पता नहीं मेरे फिर पे धक्का लग गया, पता कैसा कि इतने नीच लोगों को पानी पिला की अकल नहीं है और ये होटल चलाने को तुमने भेज दिया। अरे ये बकरी बहुत ही सिर्फी है, मेंटर भी है ये, मुझे क्या पता? ऐसा है इसका घर है, ये सिर्फ मेरी बदौलत से चलता है। मैंने सोचा इसके बीवी बच्चे पलते रहेंगे, लेकिन ये क्या पता होगा कि ये इन्हीं चीजों को पानी पिलाएगा। आराम कर दे ठीक है, और कल से यहाँ नया बोर्ड लगेगा, नया होटल बनेगा, नए बर्तन आएंगे, समझ गया? और सिर्फ ये तुमने जो गलती की है ना, तो तुझे एक रुपया मिलेगा महंगाई का। बालक मरिया बालक मरिया, अरे तू मर जाए चाहे चाहे खाके मर जाए या अभी मर जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और सिर्फ चार पांच साल तक मेरे यहाँ काम फ्री में करेगा तू, और ये हराम जाएगा, ये बर्तन धोएगा, गाड़ी
नौकर ने बाबा साहब के लिए गिलास में पानी दिया, लेकिन होटल मालिक ने देखा तब नौकर के ऊपर कोड़ा बरसाए, अरे मूर्ख तुझे ये याद है कि ये सूत लोगों को पानी पिला रहा है, मेरा होटल अपवित्र कर दिया। बाबा साहब उस नौकर की मार को देख आंखों में आंसू भर आए, कहने लगे भैया हमारी खातिर से मत मारो, हम अंत कहीं पी लेंगे जाके। बाबा साहब अब गटकरी उस होटल से उठ चल देते हैं, लेकिन सोचते जा रहे हैं अरे मनु तेरा सत्य नाश हो जा, तूने ऐसे ग्रंथों को क्यों लिखा कि हमारे भाई 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 आपस में झूठ है, हम लोग इतने पशुओं से गिरे हुए हैं, हमें कोई गिलास भर पानी नहीं पिलाता, हमें होटल वाले खाना नहीं खिलाते, हमें बैलगाड़ी वाले अपनी गाड़ी पर नहीं बिठाते, क्या करें। आंखों में आंसू भर के बाबा साहब चले हैं, लेकिन ये बस एक सोनू नाम का व्यक्ति देख रहा था कि बाबा साहब को होटल से पानी नहीं पिलाया और बाबा साहब प्यासे चले गए। बाबा साहब की आंखों में आंसू, बाबा साहब चले वहां से, आंखों में आंसू भर के मन ही होकर बाबा साहब उस होटल से चल दिए। लेकिन सोनू नाम के व्यक्ति हाथ में पानी का भरा हुआ पिपल लेके जाता है, कहता है ओ बाबा साहब रुक जाओ, बाबा साहब रुक जाओ, लेकिन बाबा साहब ने आवाज को नहीं सुना। बाबा साहब बहुत दूर निकल गए, कहे ओ बाबा साहब पानी पिए जाओ, तुम्हें होटल वाले ने पानी नहीं पिलाया, मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा। ओ बाबा साहब तुम जल्दी आ जाओ, पानी पी जाओ, लेकिन बाबा साहब रोते हुए चले गए। इधर उस सोनू नाम के व्यक्ति ने ये संकल्प ले लिया, याद हमारे खातिर बाबा साहब लड़ रहे हैं, हम लोगों को अधिकार दे रहे हैं, लेकिन बाबा साहब को आज पानी नहीं पिलाया, मेरे बाबा साहब भूख की प्यास से चले गए होटल से, जब तक मैं अपने बाबा के लिए पानी नहीं पिला देंगे तब तक हम भी नहीं पिएंगे, ये उसने संकल्प कर लिया। जब बाबा साहब नहीं लौटे तो अपने घर के लिए वो लौट आता है, अपने घर के लिए लौट आता है। इधर रोजाना का उसका नियम बन गया है, सुबह सुबह उसी रास्ता पे बैठ जाता है, प्रतीक्षा करता है बाबा साहब की कि हो सकता है बाबा साहब आ जाए, तुम अपने बाबा साहब के लिए पानी पिला देंगे कि बाबा साहब हमारे प्यासे चले गए। लेकिन बाबा साहब उस मार्ग पर जब दोबारा नहीं आए, सुबह से लेकर शाम तक उनकी प्रतीक्षा उनका इंतजार करता है, लेकिन बाबा साहब नहीं आए। एक ये दिन नहीं 17 दिन हो गए उसके लिए भूखे प्यासे रहते हुए। उसने संकल्प किया था कि जब तक बाबा साहब को हम पानी नहीं पिला देंगे तब तक हम खुद पानी नहीं पिएंगे। Okay.
बाबा साहब उस मार्ग से दोबारा नहीं लौटे। रोज प्रतीक्षा करता है उस सोनू का शरीर जर्जर के लकड़ी की तरह हो गया। सारे दिन रास्ता पे बैठा रहता है कि कब आएंगे मेरे बाबा साहब। रास्ता पे बैठ के इंतजार करता है लेकिन बाबा साहब उस मार्ग से दोबारा नहीं आए। उसने फैसला किया कि जब तक हम बाबा के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पानी नहीं पिला देंगे तब तक हम खुद नहीं पिएंगे। क्यों आज हमारे अधिकार के लिए लड़ रहा है और हम उनके साथ में इतना एहसान नहीं कर सकते जो हमारे साथ में लड़ रहे हैं, हमारे साथ अधिकारों के लिए खिलवाड़ कर रहे हैं, हमें अधिकार दिला रहे हैं। आज वो मेरे साहिब, वो मेरे भीम आज भूखे प्यासे इस होटल से होटल वाले ने भगा दिया। जब तक मैं बाबा साहब के लिए पानी नहीं पिला देंगे तब तक हम भी नहीं पिएंगे। इधर ये क्या हुआ, तो आ गया। बाबा साहब की प्रतीक्षा कर रहा है, बेचारे का शरीर बहुत पतला हो गया, रास्ता नहीं चली जा रही। एक दिन ये हुआ बाबा साहब की याद में, बाबा साहब की याद में मर गए याद में बाबा साहब, बाबा साहेब, बाबा साहेब करता करता बिचारे का देहांत हो गया लेकिन बाबा साहब उस मार्ग से दोबारा नहीं आए। ये जब सोनू नाम का किसान मर गया बाबा साहब की यादों में,
पूरे गांव में शोर हो गया। कह रहे भैया वो तो बाबा साहब का दीवाना था, बाबा साहब की यादों में मर गया बेचारा, बाबा साहब की यादों में मर गया। कि बाबा साहब की यादों में मर रहा है बेचारा, तड़प रहा है, मरा नहीं है अभी बेचारा गुस्सा, बाबा साहब की यादें मर रहा है, बाबा साहब पानी पी जाओ, धरा पे गिरा है। लेकिन एक गांव में, उसी गांव में जिस गांव का गुस्सा था, उसी गांव का व्यक्ति की पत्नी थी, पति पत्नी जो रहते थे गांव से अलग थे, गांव से अलग बढ़िया थी दोनों की, दोनों रहते थे, पति बहुत बड़ा शराबी था उसका, में मस्त रहता था और पत्नी घर में थी, लेकिन उस समय उसका पति नहीं था, पत्नी घर में थी। सर चल भाई, वो लड़का सोहन नाम का किसान अभी मरा नहीं है, तड़प रहा है बाबा साहब की याद में कि बाबा साहब पानी पी जाओ, बाबा साहब पानी पी जाओ। लेकिन ये बात पूरे शहर के नामे गांव में हो गई कि बेचारा वो तो मर रहा है बाबा साहब की याद में।